सबसे पहले तो आप सभी लोग का हमारे इस वीडियो में स्वागत है। जैसा कि आप देख सकते हैं, ये रेनॉल्ट कंपनी की डस्टर गाड़ी ही है जिसका हमने अल्टरनेटर ओपन किया है। तो फ्रेंड, हम इसमें अल्टरनेटर का जो पुल्ली है वो रिप्लेस करने वाले हैं। तो किस तरह से रिप्लेस करेंगे, क्या क्या आपको चीज़ उसके लिए कनेक्ट करना पड़ेगा, वो हम आपको इस वीडियो में बताएंगे। ठीक है फ्रेंड, सबसे पहले तो ये अल्टरनेटर आप बाहर ले लीजिएगा जिस तरह हमने बाहर लिया है। तो इसका ऊपर का कैप है, इस कैप को आपको निकालने का इस प्रकार से देखिए, ये कैप को हमने बाहर निकाल लिया है। फिर आपको ये पाने से देखिए, ये मीनिंग पाना है, ठीक है, ये पाने से आपको इसमें बिठाना है अल्टरनेटर के पुल्ली में। देखिए इस प्रकार से ये हमने बिठा दिया है। फिर T50 का आपको एलंकी अरेंज करना है, आपके पास रहेगा भी, ठीक है, T50 का इस प्रकार से इसको देखिए, इसके अंदर मीनिंग है T50 का, आपको दिखाते हैं, उसमें आपको बिठाना है। ठीक है फ्रेंड, इसके अंदर आपको बिठाना है। तो ये पहले सबसे पहले बिठा लीजिएगा इस प्रकार से, जिस प्रकार से हमने बिठाया है। फिर आप इसको रिंग पाने से, 17 नंबर की रिंग पाने से ऐसा पकड़ के रखिएगा, पकड़ो एक पाने से, ठीक है फ्रेंड। और ये एलंकी आपको बिठाना है, ठीक है फ्रेंड। तो ये एलंकी का जो पाना है वो आपको एक जगह पे पकड़ के रखना है इस प्रकार से, जिस प्रकार से आप पकड़ेंगे, ये आप पकड़ के रखो, ठीक है, पकड़ के रखना है आपको। देखिएगा इसको आपको पकड़ के रखने का है। और ये रिंग पाना जो है आपको ताकत लगाकर ऐसा खोलना है, ये देखिए इस प्रकार से, ठीक है, इसको आपको नहीं घुमाना है, ये जो रिंग पाना जो है यही आपको खोलना है, देखिए इस प्रकार से। आप सोचेंगे कि इसको इसको लॉक करके और ये टॉमी से खोले तो नहीं, आपका टूट जाएगा पाना, ठीक है, दिखा दें, तो इसका जूना अल्टरनेटर पुल्ली था, ठीक है फ्रेंड। एक क्लच पुल्ली आता है, एक साइड वर्क होता है, एक साइड नहीं होता है, इसके लिए हम इसको रिप्लेस कर रहे हैं। जाम हो गया है दोनों साइड, एक साइड इसको घूमना चाहिए, एक साइड लॉक होना चाहिए, ठीक है। हम आपको दूसरा नया डालकर और दिखाते हैं। ठीक है, ये इसका नया पुल्ली है, इसका हम दोनों का थिकनेस चेक कर लेंगे, छोटा बड़ा तो नहीं है, देख सकते हैं फ्रेंड, एकदम बराबर है, ऊपर नीचे कुछ भी नहीं है। तो इसी प्रकार से, जिस प्रकार से हमने खोला था उसी प्रकार से इसको टाइट करेंगे। लॉक कीजिए, इससे आपको लॉक करना है ये पाने से। पाइप दीजिए, कैप दो। तो ये हमारा फाइनली पुल्ली रिप्लेस हो गया है। और ये रिप्लेस हमने क्यों किया है उसका भी हम कारण आपको दिखाएंगे। देखिए यहाँ पे लॉक करके, ये देखिए, ये हमारा पुल्ली एक साइड देखिए घूम नहीं रहा है, ठीक है, इसको क्या होना चाहिए, एक साइड घूमना चाहिए, एक साइड लॉक होना चाहिए। देखिए देखिए, ये देखिए उल्टे साइड हमारा देखिए घूम रहा है, तो ये ऐसे ही चलना चाहिए, एक साइड घूमना चाहिए और एक साइड लॉक होना चाहिए। देखिए ये लॉक हो गया, घूम नहीं रहा, ठीक है। ये पुल्ली में क्या प्रॉब्लम था कि ये पुल्ली हमारा दोनों साइड लॉक था, ना इधर घूमता था ना ये उल्टा घूमता था, वो हमारा पुल्ली जो था लॉक हो चुका था। देखिए एक साइड लॉक है ना और एक साइड घूम रहा है, ठीक है फ्रेंड। तो ये हमारा आज का वीडियो था पुल्ली रिप्लेस का, पुल्ली रिप्लेस किस तरह करें और किस कारण के वजह से पुल्ली रिप्लेस करते, वो भी हमने आपको बता दिया है, ठीक है फ्रेंड। कभी भी आप अल्टरनेटर ओपन करेंगे तो यहाँ पे स्क्रूड्राइवर डालकर आप चेक कर लीजिएगा कि आपका अल्टरनेटर का पुल्ली एक साइड लॉक होता है और दूसरे साइड घूमता है क्या। अगर एक साइड लॉक हो रहा है, दूसरे साइड घूम रहा है, तो समझिए आपका अल्टरनेटर का पुल्ली बराबर है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर दोनों साइड लॉक होता है, राइट में भी लॉक होता है, लेफ्ट में भी लॉक होता है, तो आपका पुल्ली का प्रॉब्लम है, ठीक है फ्रेंड।
तो इसमें ये प्रॉब्लम था, इसलिए हमने इसका फुली रिप्लेस किया। तो अगर आपको ये वीडियो में थोड़ा भी अगर इंटरेस्ट रहेगा तो प्लीज़ प्लीज़ हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना ना भूलिए।